Um motivo, mas não faz um motivo. Um motivo, ou está adicionando negro. Diz que não é moreno. Ou não. Diz que não é moreno, que está aqui, não. Eu sou um misto de água, não está aqui. 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 Mas sou um da nascida de água. हुजूर पाक ने जो शफात करेंगे ना वो उम्मतियों की करेंगे ना, सुन्नी शिया वादी भी नहीं करेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, सिर्फ उम्मती की शफात करेंगे। आप उम्मती की जब शफात करेंगे, उम्मती अल्लाह और उसके हबीब की मर्जी होती है तो उम्मती बनता है ना, अल्लाह और उसके हबीब की मर्जी वो उम्मती बनता है, जिनकी उसकी मर्जियाँ नहीं होती हैं वो उम्मत से खारिज हो जाते हैं, तो उसमें शिया वहदी के चक्कर में लग जाता है कि वो उसको मारता है, उसको मारता है, उसको मारता है, वो उसको काफर कहता है, उसको काफर कहता है, कहता है ना क्यों काफर कहता है, उसमें भी नफ्स काफर, उसमें भी नफ्स काफर, उसमें भी नफ्स काफर। उधर हुजूर पाक ने फरमाया कि मोमिन सब भाई भाई है, भाई का जो रिश्ता होता है या तो खून से होता है या नूर से होता है, अगर तेरा से खून का रिश्ता नहीं है तो नूर का भी रिश्ता नहीं है, तो भाई भाई नहीं है, या खून का रिश्ता है या नूर का रिश्ता है, जब नूर का रिश्ता होगा तो तू भी नूरी तो होगी, नूरी तो हो सकता सॉरी एक। अब वो नूर बनने के लिए वो जो नूर बनने का तरीका था वो है ना बढ़िया ना, दरबार में तुम जाते हो ना उन लोगों ने वो टीका खाया था, वो टीका सिखाया था इनके बाद, फिर जो वली आया उसने सिखाया ना, पीछे जो गद्दी नशीब या सजादा नशीब उनके पास तो ये टीका नहीं होता, ये वलैत जो होती है ना ये नस्ल दर नस्ल नहीं होती है। आज इनके मुर्शिद बाबा फरीद सही भाई इनकी औलाद में क्यों नहीं है, वो बाबा फरीद और मुर्शिद मुख्तियार काकी और उनकी औलाद में क्यों नहीं है, मुख्तियार काकी के मुर्शिद उसमें औलाद या खुलफा का सिलसिला ही नहीं है। इन लोगों ने वलियों को छोड़ के इधर खुलफा या सजादों के पीछे लग गए तो उनको ये चीज़ तो नहीं, अल्लाह सजादा नशीन गद्दी नशीन ये हैं कि उन लोगों के कायम करके रखते हैं जो उनके बाप दादा के जो मरीज थे ना उनको कायम करके रखते हैं कि भटके नहीं, लेकिन जब वली आता है ना तो वो उसको उधर भेजते हैं ना। अल्लाह अब ये है ना, अब ये खुद ही वली बन के बैठ जाते हैं, मुसीबत तो ये ना अच्छा ये वली सुनते भी हैं वली है तो पर्दा डाल देते हैं कि उधर जाए नहीं बस, ओए 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 जी सर अगर उधर चला गया मेरे दो चार रुपये नजराना देता वो कौन देगा। अल्लाह अच्छा अब इनमें से कोई वली हो भी सकते हैं या नहीं वली नहीं होते हैं, इनमें हो भी सकते हैं लेकिन सारे तो नहीं हो सकते, तेरा बेटा भी वली उसका बेटा भी वली उसका बेटा वो ऐसा सब नहीं हो सकता, कोई एक हो भी सकता है रास वाला में आप इनसे मतलब नहीं है, हमें आप अपने आप से मतलब है, हमने अल्लाह को पाक अभी हम कहीं बैत भी होते हैं या दरबार भी जाते हैं तो अल्लाह भी जाते हैं, अब हमने अल्लाह को पाना, अगर हमको अल्लाह मिल जाए ना हमारे हमारे लिए अल्लाह का तो हमें इनकी जरूरत नहीं, हाँ ठीक है इनकी इज्जत अपनी जगह है लेकिन फिर हमारे लिए अपने काम नहीं, अब वो अल्लाह मिलता कैसे, मुसलमान कहते हैं हम काफिर में जाते हैं, हिंदू बोलता है क्यों जाता है अल्लाह के लिए, वो बोलता है तुमने अल्लाह बैठा देखा है मुसलमान कहता तू बताऊँ क्या पूछता है, वो कहता अल्लाह के लिए, वो कहता ये तूने खुद बनाई अल्लाह है ना, उसको काबे में अल्लाह मिला है ना इसको बुतों में अल्लाह मिला है, जिसने दिल में अल्लाह को ढूंढा उसने अल्लाह को पा लिया, ये राज है क्योंकि अल्लाह है दिल, ये अल्लाह का ये घर है, वो मजमू इबादत की जगह है, वहाँ इकट्ठे जाके इबादत करो, ओहो
अगर वहां जाके यहाँ जब अल्लाह आ जाता है यकीन कर वो काबा इधर आता है अल्लाह अकबर। जब रब बसी के दिल पर काबा आया ना उस काबे को तो जा जा उसका बसी का तवाफ कर। तुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गारे मिट्टी से बनाया इसको मैंने अपने मुँह से फरमाते हैं इस काबे को हजार काबों से फजीलत है। ये जो काबा हजार वो काबे उनसे भी ज्यादा इसको फजीलत है। अगर यहाँ काबा बस बाजी बस्तानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं एक अरसा से काबे का तवाफ लगाता रहा बड़ा अरसा हो गया। अब जब मेरे अंदर अल्लाह आ गए तब एक अरसा हो गया काबा मेरा तवाफ लगा। लेकिन अब रहा सवाल अंदर अल्लाह आए तो लेकिन ये शर्ती है गारंटी है अल्लाह काबे में बैठा हुआ। लेकिन ये शर्ती है हदीस कहती है कुरान भी फरमाता है कि मैं तेरे अंदर तेरे रख तस्दीक ये बात कुरान भी कहता है ना हदीस भी कहती है कि मैं तेरे अंदर वो एक इबादत की जगह तेरी। अच्छा अब अगर तेरे अंदर यहाँ नहीं आता तो वहाँ ढूंढने के लिए जा ना अगर यहाँ आ गया तो वो उधर आएगा ना। अल्लाह अकबर ये राज है। अच्छा अब वो अंदर कैसे आता है इसको अपने अंदर जज़्ब करना है अल्लाह। इसके लिए पहले 66 मरतबा कागज के ऊपर अल्लाह लिखते रोज लिखें जब भी जी चाहे लिखें आप थोड़े दिन लिखेंगे ना तो कागज पर लिखते ना तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो वो तस्वर आंखों में आ गया ना जी। या जीरो के बल्ब पर अल्लाह लिखें पीले रंग से रात को सोने लगे उसको देखते हैं एक दिन आएगा जो आप बल्ब पर लिखा हुआ है ना वो तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो। कुछ लोग मिसमेजम करते हैं चाक की रोशनी को देखते रहते हैं एक दिन आता है वो रोशनी उनकी आंखों में आ जाती है तो सुना है फिर वो शीशे के गिलास पे नजर मारते हैं ना वो गिलास क्रैक हो जाती है उस रोशनी की ताकत से। लेकिन अब जब आप अल्लाह को देखेंगे अल्लाह की रोशनी जब आपकी आंखों में आएगी तो फिर आप तवज्जो से दिल पे नजर उतारेंगे तो वो अल्लाह की रोशनी अल्लाह लिखा हुआ सीधा आपके दिल पे चला जाएगा। जब दिल पे लिखा जाएगा ना उस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी वो तुम्हारी तस्वीर है वो कहे टेक 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 उस टेक टेक के साथ अल्लाह हुम मिलाए घड़ी घड़ी तसव्वुर करेंगे तो दिल की धड़कने अल्लाह हुम तब्दील हो जाएंगे। रात को सोने लगे उंगली कलम ख्याल करें तसव्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते 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 पढ़ते पढ़ते जिससे तुम्हें मोहब्बत करें हाजर निज़ामुद्दीन से है दाता साहब से या वो तुम्हारा मुर्शिद है उसका नक्शा सामने लाए कि वो तुम्हारी अंगली को पकड़ के तुम्हारे दिल पे पी ला देगा। इन लोगों से काम है इनमें रूहानी ताकत है ये रूहानी ताकत के जरिए तुम्हारे दिल पे अल्लाह लिखी है। सुबह उठे हैं वजू है यानी इस दिल का वजू पानी से ही होता है जिक्र खफी करते रहे जब तक धड़कन से नहीं मिलता वो जिक्र खफी कहलाता वो मंजर नहीं है इबादत है जब ये धड़कन से मिलता है ये जिक्र कलम आज तुझे अल्लाह ने कबूल कर लिया आज तेरी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी है जो अल्लाह अल्लाह करते करते तो अल्लाह तक पहुंच जाता है वो हकीकत है उसका तलक नहीं है सब कोई ऐसा काम करें जिससे दिल धड़के वर्जिश करें अल्लाह की जरूरत लगाएं जब दिल धड़के उस धड़कन के साथ